नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप सभी देख रहे हैं अनबॉक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरे पास JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इस बॉक्स को, प्लस मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने ही पर्सनल रिव्यूज JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को परचेज करने का, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। ये प्रोडक्ट बेसिकली मैंने मंगाया था अमेजोन से, और जहाँ तक के प्राइस की बात है, JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस जो मुझे पड़ा वो पड़ा 1990 रुपीस। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल पैकेजिंग यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले ये पॉलिथिन मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक टेपिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। जो मैंने अवेलेबल कराए हैं वो है ब्लैक वेरिएंट में। आप देख सकते हैं जो मेरे पास स्पीकर है वो है ब्लैक वेरिएंट में। और सबसे पहले ले लेते हैं बॉक्स का ओवरव्यू। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर गो लिखा हुआ है, JBL का यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये है ब्लूटूथ स्पीकर, 5 आवर का बैटरी बैकअप आपको मिलता है, प्लस आपको माइक्रोफोन भी दिया जाता है। ओके, राइट हैंड साइड में आपको दोबारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर ऑक्स का साइन दिया गया है, प्लस USB केबल का भी यहाँ पर साइन दिया गया है। पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पर नीचे लिखा गया है। ओके, राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ब्लूटूथ है, यहाँ पर आपको 5 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है, प्लस आपको माइक्रोफोन भी दिए जाते हैं, और यहाँ पर आपको JBL का लोगो भी दिया गया है। ओके, जो एक चीज यहाँ पर मेंशन करने वाली है वो है इसका MRP। जैसे कि आप देख सकते हैं जो MRP प्राइस यहाँ पर मेंशन है वो है 3490 रुपीस। बट अगर आप इसे डायरेक्टली अमेजोन से परचेज करेंगे तो वहां पर आपको इसका प्राइस पड़ेगा लगभग 2000 रुपए। यहाँ पर बेसिक बारकोड इन्फॉर्मेशन है, और जहां तक ऊपर की बात है, ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिए गए, यहाँ पर नॉर्मल सील है। और बैक की अगर मैं बात करूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैक पे भी दी गई है। तो चलिए इसे डायरेक्टली अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सील दी गई है, इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए ओपन कर लेते हैं JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को। पैकेजिंग थोड़ी सी टिपिकल है, बट ब्रांड के हिसाब से पैकेजिंग मेरे हिसाब से काफी यूनिक दी गई है। तो चलिए JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को निकाल लेते हैं बाहर। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। ओके, सबसे पहले आपको इस तरीके का छोटा सा बॉक्स आपको मिलेगा। चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ आपको क्या क्या दिया गया है। ओके, तो यहां पर आपको मिल रही है USB केबल, बिल्कुल बेसिक USB केबल आपको दी गई है। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप उसके चार्जर से भी आप नॉर्मली इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर दी गई है मैनुअल। तो यहां पर बेसिकली 3-4 मैनुअल्स आपको दी गई हैं। तो देख सकते हैं इस तरह की मैनुअल आपको दी गई है, बिल्कुल बेसिक मैनुअल है। तो चलिए इसे साइड रख देते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये किसी डिफरेंट लैंग्वेज में है, और ये देख लेते हैं ये क्या है। तो ये भी बेसिकली मैनुअल ही है, ये बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं। ओके, तो ये मैनुअल भी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगी। तो इसको भी साइड में रख लेते हैं, और लास्ट में आपको वार्निंग लेटर दिया गया है। तो ये 3 बेसिकली मैनुअल्स आपको मिल रही हैं, और फाइनली आपको मिल रहे हैं JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर। तो सबसे पहले ले लेते हैं ओवरव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पर JBL मेंशन है, और मेरे हिसाब से जो प्लास्टिक यहाँ पर यूज करी गई है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। जहां तक कि बैक साइड की बात है, बैक साइड में भी बिल्कुल सिमिलर लोगो आपको मिलेगा, यहाँ पर भी JBL मेंशन है। नीचे की अगर मैं बात करूं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर मेंशन है, जो कि है JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का, प्लस बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। जहां तक की राइट हैंड साइड की बात है, राइट हैंड साइड में आपको दिए गए ऑक्स पोर्ट आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट, प्लस आपको माइक्रोफोन भी यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर के अगर मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर आपको मिल रहे हैं 4 मेजर बटन्स। तो सबसे पहले आपको दिए गए ऑन ऑफ बटन, उसके बाद आपको ब्लूटूथ बटन दिए गए जो कि पेयरिंग मोड के लिए, उसके बाद आपको मिल रहा है वॉल्यूम डिक्रीजिंग और वॉल्यूम इंक्रीजिंग बटन, प्लस कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर आपको बटन दिए गए। यहाँ पर आपको स्ट्रैप का ऑप्शन दिया गया है, तो इस स्ट्रैप की मदद से आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। नीचे वही सीरियल नंबर है। तो यही बेसिक फिजिकल ओवरव्यू है JBL Go वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का। अब मैं आपको देने वाला हूँ डेमो, ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाए।
तो चलिए अब ऑन कर लेते हैं JBL के गो ब्लूटूथ स्पीकर को। नॉर्मली मैं ऑन के बटन को प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लू लाइट देखने को मिल रही है। अब आपको नॉर्मली ब्लूटूथ के बटन को प्रेस करना है। ओके, तो ये आ चुका है पेयरिंग मोड में। अब मैं यूज करने वाला हूँ अपना सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 डिवाइस इस केस में। तो नॉर्मली चलते हैं ब्लूटूथ की तरफ। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है JBL गो का, तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये अब बिल्कुल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। चलिए एक सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ। चलिए वॉल्यूम में इंक्रीज कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो साउंड क्वालिटी आपको दी गई है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर बेस क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ JBL गो ब्लूटूथ स्पीकर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और क्यों आपको ये स्पीकर परचेज करना चाहिए। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं JBL गो वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है इसकी साउंड क्वालिटी। JBL एक ब्रांड नेम है तो आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जो बेस क्वालिटी यहाँ पर दी गई है वो भी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है। और जो दूसरी बड़ी एडवांटेज है वो है इसकी बैटरी लाइफ। तो एक बार चार्ज करने के बाद आप आसानी से JBL गो ब्लूटूथ स्पीकर को लगभग आप 5 घंटों तक आप यूज कर पाएंगे। और जो तीसरी एडवांटेज है वो है इसका वेट। आपको यहाँ पर लगभग 132 ग्राम का वेट मिलता है। इस वेट के साथ आप आसानी से JBL गो ब्लूटूथ स्पीकर को आसानी से आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और जो चौथी एडवांटेज है वो है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी जो यहाँ पर यूज करी गई है, जो प्लास्टिक यहाँ पर यूज करी गई है वो काफी ज्यादा प्रीमियम यूज करी गई है। और मैं कह सकता हूँ JBL गो ब्लूटूथ स्पीकर का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। मेरे हिसाब से जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो है कैरी केस। अगर JBL गो बॉक्स के अंदर आपको कैरी केस दिया जाता तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती थी। और जो दूसरी डिसएडवांटेज है वो है ऑक्स केबल। बॉक्स के अंदर आपको कोई भी ऑक्स केबल नहीं दी जाती, यानी कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने पड़ेंगे ऑक्स केबल के लिए। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं JBL के गो ब्लूटूथ स्पीकर अमेजिंग है, बेस्ट है। आपको साउंड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है और आप कह सकते हैं 2000 रुपए के अंदर अंदर आपको काफी अच्छे और ब्रांडेड JBL के ब्लूटूथ स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है JBL गो ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में आप बिल्कुल फ्रैंकली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही में यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप चाहते हो आप इसी तरह की और भी काफी सारी अनबॉक्सिंग वीडियो से अप टू डेट रहे तो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं ऐसे ही आपसे आने वाली वीडियोस में मिलता हूँ।